हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस एंड मॉडल श्रुतिका अर्जुन के बारे में। शायद आप श्रुतिका अर्जुन को न जानते हो, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने न केवल टीवी सीरियल्स बल्कि फिल्मों में भी काम किया है। तो इस वीडियो में हम आपको इनके लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपको श्रुतिका अर्जुन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बायोग्राफी। इनका रियल नेम श्रुतिका अर्जुन राज है एंड इनका निकनेम श्रुतिका है। ये प्रोफेशन से एक्ट्रेस, मॉडल एंड एंटरप्रेन्योर है। इनका जन्म 17 सितंबर 1987 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ और 2024 के अकॉर्डिंग आज इनकी एज 37 ईयर्स हो चुकी है। फिजिकल स्टेटस। चलिए बात कर लेते हैं अब इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। श्रुतिका अर्जुन की हाइट 5 फीट 4 इंचेज है एंड इनका वेट 54 किलोग्राम्स है। श्रुतिका की आइज का कलर ग्रीन है एंड इनके हेयर का कलर ब्राउन है। ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। एजुकेशन। चलिए बात कर लेते हैं अब इनकी एजुकेशन के बारे में। श्रुतिका ने अपने स्कूलिंग आदर्श विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से की है और साथ ही आगे की पढ़ाई इन्होंने SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई से की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके पास विजुअल कम्युनिकेशन में डिग्री है। करियर। चलिए बात कर लेते हैं अब इनके करियर के बारे में। दोस्तों, श्रुतिका चेन्नई तमिलनाडु में पली बड़ी है। जब ये सिर्फ 2 साल की थी तब इन्होंने अपनी फर्स्ट एडवर्टाइजिंग फिल्म में काम किया और 15 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और इन्होंने स्कूल के समय में अपने टीचर चित्रा से भरतनाट्यम सीखा था और ये अक्सर कल्चरल प्रोग्राम में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करती थी। इन्होंने कर्नाटक संगीत को भी सीखा है। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2002 में फिल्म सर्वी से की थी और इस फिल्म में इन्होंने मीनाक्षी का रोल प्ले किया था और इसी साल ये फिल्म एल्बम में भी नजर आई थी जिसमें इन्होंने बीजी का रोल प्ले किया था। और तमिल फिल्मों के बाद 2003 में इन्होंने मलयालम फिल्म शोपरम कोडू तुलाभारम में अम्बू के रोल में काम किया। इसी साल ये एक और फिल्म नाला दयमंती में नजर आई जिसमें इन्होंने मालती का रोल प्ले किया था। फिल्मों से अच्छी पहचान न मिलने के बाद श्रुतिका ने लंबे समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। 2018 में इन्होंने आयुर्वेदिक स्किन केयर ब्रांड हैप्पी हर्ब्स की स्थापना की जो कि इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी है। फिल्म इंडस्ट्री से इतने लंबे ब्रेक के बाद 2022 में तमिल कुकिंग शो कुकू विद कोमली में ये हैज ए कंटेस्टेंट नजर आई जिसकी ये विनर भी बनी। इसके बाद ये काफ़ी सारे सीरियल्स में नजर आई। 2024 में ये फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 का हिस्सा है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगती है। फैमिली। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। श्रुतिका के फादर का नाम शिवा शंकर है। श्रुतिका की मदर का नाम कल्पना है। श्रुतिका के ब्रदर का नाम आदित्य शिव पिंक है जो प्रोफेशन से एक एक्टर है। श्रुतिका के हस्बैंड का नाम अर्जुन है जो प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है। श्रुतिका का एक बेटा भी है जिसका नाम आरव है। इनकम। चलिए बात कर लेते अब इनकी इनकम के बारे में। श्रुतिका किसी भी फिल्म के लिए 50 लाख रुपीज़ चार्ज करती है। इसके साथ ही वो किसी भी टीवी शो के लिए पर एपिसोड 10 से 12 लाख रुपीज़ चार्ज करती है। इसके अलावा इनकी ज़्यादातर इनकम इनके आयुर्वेदिक स्किन केयर ब्रांड हैप्पी हर्ब्स से होती है। नेटवर्थ। वहीं चलिए बात कर लेते हैं अब इनके टोटल नेटवर्थ के बारे में। तो श्रुतिका की टोटल नेटवर्थ 7 करोड़ रुपीज़ है। हाउस। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके हाउस के बारे में। तो दोस्तों, श्रुतिका अपनी फैमिली के साथ चेन्नई तमिलनाडु में एक आलिशान से घर में रहती है जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार सिलेक्शन। अंत में बात कर लेते हैं इनके कार सिलेक्शन के बारे में। इनके कार सिलेक्शन में फर्स्ट कार महिंद्रा थार है जिसका प्राइस 17 लाख रुपीज़ है। सेकंड कार इनके पास मित्सुबिशी पजेरो SFX है
जिसका प्राइस 25 लाख रुपीज़ है। एंड थर्ड कारी के पास किया सेल्टोस है जिसका प्राइस 30 लाख रुपीज़ है। एंड फोर्थ कारी के पास मर्सिडीज बेंज GLE है जिसका प्राइस 1.54 करोड़ रुपीज़ है। एंड इनके पास लास्ट कार पोर्शे कैनन है जिसका प्राइस 2.43 करोड़ रुपीज़ है। तो ये थी श्रुतिका अर्जुन की लाइफस्टाइल वीडियो। वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।